गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग है बेस कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूर, जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए। मंदिर यहाँ से करीब बता रहे लोग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। कल रात 11 बजे हम पहुँचे थे, ये 2 कैंप हम लिए थे। अभी स्नोफॉल हो रही है इधर, सी मेरे चारों तरफ का कुछ ये नज़ारा है। मंदिर के और ज़्यादा करीब आते हुए, और ये देखिए कितना भयंकर स्नोफॉल हो रहा है, और आप इधर के नज़ारे देखिए। मेरे राइट हैंड साइड में है ये बेस कैंप, सी ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं पूरी फ्रोजन लेक है। जनरली इस टाइम पे इतना बर्फबारी होती नहीं है। करेक्ट, मंदिर के जितने करीब जा रहे हैं स्नोफॉल उतनी ज़्यादा जो है तेज़ हो रही है। हम अभी पहुंच चुके हैं हेलीपैड के बहुत ही करीब, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हेलीपैड। ब्रेथ टेकिंग यहाँ पे क्लोज करके रखा गया ताकि कोई अंदर ना जा सके। एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी उधर खड़ी हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौरभ का भी कॉल आया था, ऑलरेडी वो लोग मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं। सो हमें जाना एकदम स्ट्रेट, क्योंकि अगर डिले करते हैं तो वापस से हमें लाइन में लगना पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर में प्रवेश करेगा, देखिए कैसा भगवान का दर्शन होता है। भगवान शिव जी इसका भीतर में है। अभी हम लोग मंदिर एंटर करने वाले हैं, और ये रही मंदिर। अगर कहीं जन्नत है तो वो केदारनाथ है। अभी हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी के समाधि की तरफ, और हमारे ठीक यहीं पे ही है।